कोरबा पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा जिले में पुलिस को आम जनों से जोड़ने के अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस संगवारी जैसे कार्यक्रमों के जरिए जनता से सीधे संवाद किया जाकर उन्हें पुलिस को अपना मित्र और सहयोगी समझने की पहल की जा रही है। वहीं इस दिशा में चलित थाना लगाकर जनता की समस्याओं को उनके निकट पहुंचकर समस्याओं के समाधान करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसी तारतम्य में मलिकपुर पुलिस के द्वारा रामनगर वार्ड क्रमांक 27 वार्ड पार्षद कांग्रेस राजेंद्र सूर्यवंशी की अगुवाई में वार्ड वासियों को एकत्रित करके चलित थाने का आयोजन किया गया। निरीक्षक राजू श्रीवास्तव के मार्गदर्शन, मानिकपुर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक ललन पटेल के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक परमेश्वर राठौर, आरक्षक श्याम यादव, पुलिस टीम आम लोगों के मध्य जाकर उनके साथ उनकी परेशानियां जाने और छोटी बातों का मौके पर ही समाधान किया गया। बस्ती वालों ने शामिल होकर पुलिस के साथ खुलकर बातें की, अपनी समस्याएं गिनाई। पुलिस की इस पहल से लोग बहुत प्रसन्नता और संतुष्टि व्यक्त किए। अवैध शराब के लिए मोहल्ले में समिति बनाने की पहल करने पुलिस ने लोगों को कहा। इस अवसर पर उप निरीक्षक ललन पटेल, यातायात सहित साइबर अपराध से बचाव की जानकारी, रचनात्मक और सकारात्मक परिचर्चा लोगों से की, अपनी समस्याएं खुलकर बताएं और चलित थाना लगाने की पुलिस पहल को सराहा। मानिकपुर पुलिस द्वारा लगाए गए चलित थाने को आम जनों का बेहतर प्रतिसाद देखते हुए आगे भी और जिले के अन्य थानों में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन मार्गदर्शन में सतत इस प्रकार के कार्यक्रम की जारी रखने की बात कही। जी अपना परिचय बताएंगे। मैं वार्ड क्रमांक 27 का पार्षद हूँ, राजेंद्र सूर्यवंशी, रामनगर। ये आज जो चलित थाने का आयोजन आपके वार्ड में किया गया, इससे क्या फायदे हैं लोगों के लिए, आपने इतना क्यों प्रयास किया? इसके बहुत सारे लाभ हैं हमारे जनता लोगों को कि यहाँ जो ऑनलाइन ठगी और कुछ कुछ समस्याएं हैं जिनके द्वारा साहब लोग के द्वारा बताया गया, उनका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। वासियों के लिए हम हमेशा उनके विकास के लिए प्रयास करते रहेंगे और करेंगे।